तो दोस्तों कंप्यूटर कैसे चलाते हैं इसका ये क्लास 3 वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप इंटरनेट को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कैसे करेंगे और अपने कंप्यूटर में आप इंटरनेट कैसे चलाएंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था जो आप कंप्यूटर को कैसे ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे और भी काफ़ी कुछ हमने बेसिक इसमें कंप्यूटर में सीखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आपको ये दो चीज़ चाहिए, एक आपको चाहिए मोबाइल और एक ऐसा यूएसबी केबल आपको चाहिए। और ये यूएसबी केबल दोस्तों आपको चार्जर के साथ आपको मोबाइल में ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप दो चीज़ ये ले लें और आपको एंड्रॉयड मोबाइल लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, एंड्रॉयड मोबाइल में जो आपका यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है, जो जैक का चार्जिंग पॉइंट है, इस पर आपको कनेक्ट कर देना है। तो देखिए मैं इस पर यहाँ पर इस तरह कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों ये वाला जो भाग है यूएसबी वाला, ठीक है, तो इस यूएसबी वाले भाग को आपको क्या करना है, कंप्यूटर पर कनेक्ट कर देना है इसको। तो चलिए अब हम लोग इसको कंप्यूटर पर कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक यूएसबी का पोर्ट दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तो इनमें से आप जिसमें भी चाहें इसको आप प्लग कर दीजिए। तो चलिए देखिए मैं किस तरफ मैं यहाँ पर प्लग कर देता हूँ। अब दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको मोबाइल की कुछ सेटिंग करनी है। अब आपको दोस्तों मोबाइल की सेटिंग को ऑन कर लेना है। देखिए यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट एंड शेयरिंग। कनेक्ट एंड शेयरिंग पर आप क्लिक कर लीजिए और कनेक्ट एंड शेयरिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूएसबी थेथरिंग का, ठीक है। अब दोस्तों यूएसबी थेथरिंग पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसे ऑन कर लेना है। देखिए ये हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप इसको ऑन करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर अभी सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है, और देखिए ये सिग्नल सर्च करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपका सिग्नल ओपन हो जाएगा तो देखिए कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ देर आपको वेट करना है और इसके बाद देखिए कुछ समय लेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये हमारा इस तरह का सिग्नल आ जाएगा, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पर पूछेगा कि आपको कौन सा नेटवर्क को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, माउस से आपको सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पर ऊपर में सबसे ऊपर में ऑप्शन है होम नेटवर्क का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका जो होम नेटवर्क है वो सेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। तो चलिए देखिए अब हम लोग का जो कंप्यूटर में है वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट है जो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि आप कंप्यूटर में इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करेंगे, अब दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि आप कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलाएंगे। तो चलिए अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब दोस्तों इंटरनेट तो हमने कनेक्ट कर ही लिया है, अब हम लोग सीखते हैं कि इंटरनेट को चलाएंगे कैसे दोस्तों। तो दोस्तों इंटरनेट चलाने के लिए आपको कुछ ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स है, तो ये सब बहुत अच्छे ब्राउज़र है, तो इन सब का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर में तो ज़्यादातर गूगल क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करता हूँ। चलिए मैं इसे यहाँ ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने टास्क बार पर गूगल क्रोम को ओपन रखा, तो मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा दोस्तों कि आप गूगल क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करें। अगर आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप गूगल क्रोम डाउनलोड कर लीजिए। और आपके पास दोस्तों पहले से एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है जिसको आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलते हैं, तो कंप्यूटर में पहले से वो विंडो की तरफ से दिया होता है, तो वहाँ से जाके आप उस लिंक को ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप इस पर सर्च कैसे करेंगे। दोस्तों सर्च करने के लिए दो तरीका, एक देखिए यहाँ पर भी सर्च गूगल यहाँ पर भी बना हुआ है सर्च बार, और दोस्तों आप यहाँ पर भी मेन हेडिंग पर भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो आप दोनों जगह पर सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए हमें कुछ सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है गोल्ड रेट टूडे, ठीक है, आज का जो गोल्ड का रेट है वो क्या है। तो चलिए हम लोग गोल्ड रेट टूडे हमने लिख लिया, अब आपको कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे देखिए आपके सामने जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है 10 ग्राम का 51,907 इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से और भी अगर अपना स्टेट चेंज करना चाहें तो यहाँ से स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए मैं और भी कुछ सर्च करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें सर्च करना है जॉब इन दिल्ली, ठीक है, हमने लिखा जॉब इन दिल्ली,
ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जॉब इन दिल्ली। इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करते ही देखिए आपके सामने जितने भी दिल्ली में जॉब आपके अवेलेबल हैं अभी, ठीक है, अगर वैकेंसी है तो यहाँ पर वो इन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो इनमें से आप जिसमें भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ गूगल क्रोम ब्राउजर में दिया होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर किसी इसी रिलेटेड कोई इमेज डाउनलोड करना है, तो देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए फ्लावर मैं लिखता हूँ, ठीक है, जैसे देखिए मैंने फ्लावर लिखा और एंटर प्रेस किया, तो फ्लावर लिखते ही अगर मान लीजिए आपको कुछ फ्लावर का इमेज डाउनलोड करना है, तो आप देखिए यहाँ पर अभी ऑल पर किया हुआ है, इसके बगल में आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा। इस इमेज वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी है आप सर्च रिजल्ट सिर्फ इमेज में ही खुलेगा। तो देखिए यहाँ कई सारे फ्लावर के पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो भी पिक्चर आप डाउनलोड, जैसे मान लीजिए इस पिक्चर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर एक बार क्लिक कीजिए, ठीक है, इस तरह एक बार ये ओपन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, माउस से राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद नीचे में ऑप्शन मिलेगा सेव इमेज, ठीक है, सेव इमेज पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको लोकेशन मांगेगा कि आप कहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर, यहाँ पर आपका क्या है वो इमेज जो है वो डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसको हम लोग यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, तो इस तरह करके आप कोई भी इमेज गूगल से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग और भी कुछ सेव करके या डाउनलोड करते हैं। तो देखिए और भी कई सारे यहाँ पर इमेज दिए हुए हैं, ठीक है, तो जिनमें से आपको जो भी पसंद हो, अगर आप दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ से अभी आप कर सकते हैं, है ना, अगर इस पर आप डायरेक्ट करेंगे तो जो आपका साइज है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए आप इसको एक बार ओपन कर लीजिए इस तरह, तो उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे करके सेव इमेज कीजिए, और इसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपका जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह बहुत आसान है दोस्तों गूगल से कोई भी इमेज को डाउनलोड करना। अब चलिए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको न्यूज़ रिलेटेड कुछ सर्च करना है, तो जैसे मान लीजिए न्यूज़ टुडे इस तरह मैं सर्च करता हूँ और उसके बाद इंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अभी हमने इमेज में कर रखा था, तो यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ का भी आपको ऑप्शन आ रहा है। इस न्यूज़ वाले कैटेगरी पर आप कर दीजिएगा तो आपका जो भी रिजल्ट है वो न्यूज़ से रिलेटेड सारा चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हैं तो अगर आप हिंदी में चाहते हैं न्यूज़, तो न्यूज़ यहाँ पर टूडे और इन हिंदी आप कर दीजिए, ठीक है, ऐसे से मैं लिख देता हूँ इन हिंदी, और उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों अब जो भी न्यूज़ खुलेगी वो सारी हिंदी में ही होगी, ठीक है। तो जो भी आप भाषा लैंग्वेज में आप चाहते हैं तो बस यहाँ पर इन हिंदी, इन गुजराती, इन मराठी इस तरह करके आप लिख दीजिए, तो आपका जो न्यूज़ है वो उसी लैंग्वेज में खुलेगा, ओपन होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों और भी हम देखिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अमेजोन को हमें सर्च करना है, मान लीजिए हमें कोई ई कॉमर्स कंपनी है, तो अमेजोन मैं लिखता हूँ, ये देखिए मैंने अमेजोन लिख के सर्च किया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सारा रिजल्ट यहाँ पर ओपन हो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ अमेजोन का जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस पर एक बार आप क्लिक किए जैसे करेंगे माउस से, तो आपका जो वेबसाइट है अमेजोन की वो ओपन हो जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ से जो भी परचेज करना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है, तो ये भी है। इसके बाद दोस्तों और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए आप बार बार ये अमेजोन की साइट को ओपन करते हैं, बार बार इससे खरीदारी करते हैं, तो बार बार आपको यहाँ पर सर्च रिजल्ट में अमेजोन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अमेजोन की साइट ओपन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको इसको जो साइट है, ये जो आपका वेबसाइट है, देखिए इसको एक बार आपको इस तरह कॉपी कर लेना है। तो कंट्रोल प्लस सी जैसे आप प्रेस करेंगे, या आप माउस से राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ प्लस का एक सिंबल है, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ ऐड शॉर्टकट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऐड शॉर्टकट पर आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको नेम दे देना है अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन लिखने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो आपने वेबसाइट को कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए पेस्ट का ऑप्शन है,
तो पेस्ट कर दीजिए। अब दोस्तों देखिए ये जो अमेजोन की साइट है यहाँ पर पेस्ट हो गई है। अब यहाँ पर नीचे दोस्तों डन का ऑप्शन है, यस डन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका ये जो अमेजोन का साइट है वो यहाँ पर शॉर्टकट बन चुका है, आपको बार बार सर्च रिजल्ट में अमेजोन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरी अमेजोन की साइट ओपन एक बार में हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरह करके आप यहाँ पर शॉर्टकट बना सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपकी कोई फेवरेट अगर यहाँ पर साइट है तो इसको अगर आप बुक मार्क में रखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ अमेजोन का साइट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या कीजिए, जैसे कि आपके साइट खुली हुई है यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है बुक मार्क का, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बुक मार्क है उसका नेम यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, डन कर देना है। जैसे दोस्तों डन करेंगे इसके बाद देखिए यहाँ प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक कीजिए तो आपका देखिए यहाँ पर हेडिंग पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पिन हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, देखिए एक क्लिक में आपका दोस्तों ओपन हो जाएगा। तो गूगल क्रोम दोस्तों बहुत अच्छा ब्राउज़र है, इसको मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी ईजी इस पर होता है सर्च करना। अब देखिए मैं इसको आपको अपडेट करना भी दोस्तों सिखा देता हूँ, अपडेट करना भी आपको इसको बहुत ज़रूरी है। तो अपडेट करने के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पर आप तीन डॉट पर आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में, और तीन डॉट में आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल सॉरी अबाउट क्रोम का। इसके बाद दोस्तों आपको अबाउट क्रोम पर क्या करना है, क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद देखिए ये अपडेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए मेरा अप टू डेट मैं रखता हूँ, यहाँ क्रोम इज अप टू डेट, ठीक है। तो आप इसको अपडेट हमेशा करते रहिए ताकि आपका ये क्रोम जो है अच्छा काम करे और कभी भी मतलब कि हैकिंग या कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, या वायरस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप इसको कीप टू अप टू डेट रखना है आपको दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर ईमेल खोलना है तो यहाँ पर देखिए पहले कई सारे ऐप दिए होते हैं, तो यहाँ गूगल ऐप है इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ कई सारे ऐप दिए हुए हैं, तो आपको अगर YouTube खोलना हो, Gmail खोलना हो, तो इन सब पर या Play Store पर आप जाना चाहते हो, ठीक है, और या दोस्तों यहाँ पर Google के कई सारे ऐप दिए हुए रहते हैं, फोटो ऐप है, ठीक है, Google Translate है और Google Drive है, तो इन सब का आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए Google Chrome काफ़ी अच्छा ब्राउज़र माना जाता है, इस पर काम करना भी ईजी है। तो दोस्तों यही है, ठीक है, इंटरनेट चलाना काफ़ी ईजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अभी देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको यूट्यूब भी ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने YouTube का यहाँ शॉर्टकट बना के रखा हुआ है, तो YouTube पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और हम लोग अपना चैनल को सर्च करते हैं। तो देखिए हमने YouTube को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर क्लिक करना है और अपने चैनल को मैं सर्च करता हूँ। देखिए मैंने लिखा वेबटेक क्लासेस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमको सीधे एंटर प्रेस कर देना है। देखिए एंटर प्रेस करते ही दोस्तों हमारा जो चैनल है वो सबसे फर्स्ट में ही आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हमारा ये लोगो है। और वेबटेक क्लासेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने पेज को ओपन कर लेते हैं। तो इस पर देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पेज ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर वीडियो डाले हुए हैं, तो आप यहाँ से जाके हम कंप्यूटर सीख सकते हैं और कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह देखिए इंटरनेट चलाना काफ़ी ईजी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए थैंक यू।